संसार सारम भुजगेन्द्र हारम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्र हारम सदा वसंतम विदेवदिन्दे भवम भवानी सहितम नमा। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीएमएस न्यू ब्लॉग। सो गाइस, आज हम जा रहे हैं रामराज मंदिर, जो कि यहाँ से मैक्सिमम 5 से 6 किलोमीटर दूर है, ठीक है। तो यहीं पर जाते हैं, वहाँ का फुल ब्लॉग लेते हैं और आपको ज़रूर दिखाएंगे। तो आप लोग ब्लॉग पे बने रहें, और अब तक आपने मेरे चैनल टीएमएस न्यू ब्लॉग को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी सब्सक्राइब कर ले, ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुँचे। तो मैं मिलता हूँ सीधा वीडियो के बाद, तो आप लोग वीडियो पर कंटिन्यू बने रहें। पेट्रोल का बोतल लेके यहाँ चाय बेच रहा, वाओ। चाय 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 भाई का नोट अभी जैक हो गया, चलने रहा, क्या प्रॉब्लम है? अब ऐसा सिचुएशन में आप क्या करते हैं? क्या करेगा ऐसा सिचुएशन में आप? चाय गरम। इतनी खुशी मुझे। तो गाइस, अभी हम लोग मेन रोड में आ चुके हैं, ठीक है। पेट्रोल भराने नाम का जो रास्ता है, वहाँ पे हम लोग मेन रोड में आ चुके हैं, और हमारे दो भाई पीछे हैं बाइक में। अभी हम लोग सब पेट्रोल पंप आए पेट्रोल भरवाने के लिए, फ्यूल नहीं है, फ्यूल नहीं है। लेते एक सेकेंड। तो जैसा कि अभी हम लोग पेट्रोल पंप में हैं और पेट्रोल भरवाने के लिए, देख सकते हैं पीछे बहुत भीड़ है, बट कोई नहीं, थोड़ा वेट करते हैं, खाली होने दीजिए भीड़ को, फिर अपना पेट्रोल भरवाते हैं बाइक पे। सिकंदर भाई, बोलोगे आप? नहीं नहीं, हमको कुछ नहीं बोलना, हम तो सिर्फ देखेंगे। चल झूठा। 2000 years later. तो फिर पेट्रोल भरवा के जाते हैं रामराज मंदिर की ओर, ठीक है। अब ब्लॉग पे कंटिन्यू बने रहे, मैं मिलता हूँ सीधा वहीं पर मंदिर पे, मैं सीधा मिलता हूँ, ठीक है। अब ब्लॉग पे बने रहे लास्ट तक। आपको जो राइट में छोटा सा पतला सा गली दिख रहा है ना, उसी में अभी हम लोग घुसने वाले हैं, बिकॉज वही रास्ता में आई थिंक शॉर्टकट है ये। देखिए, श्री राम राज मंदिर लिखा हुआ है चौक, और यही रास्ता मारा जाता है। छोटा मोटा गांव है इधर, और जो हमारे मेन निर्माण जो किए हुए ढूलू मातो, ये वो ये वाली घर है, ये वाली जिनकी मंदिर बनाई हुई है, ये देखिए यही बनाया। आश्रम है, इसमें आप आके ठहर सकते हैं यहाँ बाइक लगा के। सो हम अभी मंदिर पहुँच चुके हैं, ठीक है। तो अभी मंदिर मैं पीछे देख सकते हैं, पीछे मंदिर है, ठीक है। और मंदिर के आगे जाते हैं,
अंदर जाते हैं और फुल ब्लॉग लेते हैं, तो आप लोग वीडियो पे एंड तक बने रहे। तो जैसे कि अभी हम जा रहे हैं नेक्स्ट जहाँ मूर्ति है वहाँ पर, इसे कुछ इस टाइप का सीन आपको मिलेगा देखने। जय श्री राम, जय श्री सीताराम। श्री श्री राम मंदिर के प्रांगण में आए हुए भक्तों को तिलक लगा रहे हैं पीछे, ये सूचना दी जाती है, देख सकते हैं श्री राम मंदिर के साइड के द्वारा। तो यहाँ मंजीत भाई जो है यहाँ पर अभी पूजा कर रहे हैं। तो यहाँ पर मंजीत भाई इनके कान पे कुछ बोल रहे हैं, शायद ऐसा प्रतीत होता है कि इनके कान पे बोलने से जो मांगते हैं वो पूरी हो जाती है। मैंने तो कभी ट्राई नहीं किया, बट इनसे ही पूछते हैं क्या ये सच बात है या बस एक अफवाह है। तो मंजीत भाई एक बात बताओ, यहाँ जो आपने ये कुछ बोला कान पे, क्या वो सच होता है या नहीं? होता है। मन से मांगो तो होता है। बिल्कुल बिल्कुल। चलो भाई, तो यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ शंकर जी की यहाँ एक मूर्ति है। तो गाइस पीछे एक बोटिंग भी बैठे कहता हूँ, वहाँ भी जाएंगे, बोटिंग करेंगे और एक्सपीरियंस लेंगे। आप लोग वीडियो पे बने रहना, ठीक है। सीट यहाँ का कुछ इस तरह का फोटो, यहाँ फोटो शूट हो रहा है अभी, उनको डिस्टर्ब ना करते हुए हम आगे चलते हैं। एंड यहाँ हनुमान जी का मूर्ति है। और ये दोनों मेरे दोस्त लोग यहाँ पर हैं। लोग उधर जो तो यहाँ भजन जी का मूर्ति यहाँ पर सेठ। और यहाँ पर चुनरी वगैरह यहाँ बांधा जाता है। खुद पांडे इसलिए खुद पूजा कर रहे हैं, मंत्र भी बोल रहे हैं। हाँ, इनको एक्सपीरियंस है ना मंत्र वगैरह बोलने के लिए, खुद मंत्र पढ़ रहे हैं, खुद पूजा कर रहे हैं। क्योंकि पुजारी के बेटे हैं मंजीत भैया। चल झूठा भैया। यहाँ पर खुश हो? मन्नत मांगने से पूरा हो जाता है। चुनरी बांध देख रहे हैं वहाँ, चुनरी बांध रहे मंजीत। यहाँ का सबसे अनोखा चीज ये है कि यहाँ पर बहुत दूर दूर से आता है यहाँ पर पूजा करने के लिए, बहुत दूर दूर से। और 2 बजे के बाद भीड़ ज्यादा हो जाती है। मैं तो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो आइए आप लोग वीडियो दिखाते हैं। और यहाँ का एक और मंदिर अभी यहाँ का बाकी है। यहाँ बहुत सारी शूटिंग भी यहाँ हो चुका है, बट आप देख भाई यूट्यूब पे चेकआउट कर सकते हैं। राधा कृष्ण जी का यहाँ पर, राधा कृष्ण जी का यहाँ मूर्ति है, ठीक है। तो और तो दिखाते हैं एक सेकंड, हनुमान जी का मूर्ति देख सकते हैं। तो यहाँ आधा ज्यादा सब आपको यहाँ दिखता होगा, सबको यहाँ पर फोटो शूट वगैरह कर रहा है। सो अभी यहाँ दी और जीजू बाबू का यहाँ फोटो क्लिक हो रहा है अभी। हाथ का हाथ रखो। रो रही है, रो रही है। क्या खाएगा? ए उठो।
मिथुन बोला सिकंदर सब लोग जल्दी 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 जल्द हाट रे फैमिली फोटो है देवा अभी हम लोग पूजा करके आ चुके हैं ठीक है और अभी जाते हैं हम लोग बोटिंग करने के लिए वहाँ फिर आप लोग को लेके चलते हैं वहाँ का आप लोग को सीन दिखाते हैं ठीक है। यहाँ बाहर का कुछ इस टाइप का सीन है और आप लोग कुछ अगर चाहिए तो पीछे है आप वहाँ से ले सकते हैं बहुत सारे लॉकेट है और भी कुछ चीज़ें तो आप लोग वहाँ से ले सकते हैं ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं सीधा अंदर देन गाइस यहाँ का जो अभी सीन है बहुत ही ऑसम है बिकॉज यहाँ अभी ज़्यादा धूप नहीं है ठीक है छाया है ज़्यादा धूप नहीं है यहाँ पर तो इसके कारण थोड़ा यहाँ पर घूमने के लिए अच्छा नहीं उतना नहीं कैप्चर कर पाया। सो फाइनली गाइस अभी हम जाते हैं बोटिंग करने के लिए ठीक है तो आप लोग को वहाँ का वीडियो ब्लॉग दिखाएंगे तो आप लोग जय श्री राम तक बने रहे जय श्री राम जय श्री राम बस बस चलो अंदर चलते हैं। सो हम बोटिंग के स्थान पर पहुँच चुके हैं चलते हैं वहाँ बोटिंग करने के लिए ठीक है। करुणावतारम संसार सारम भुजकेन्द्रहारम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजकेन्द्रहारम सदा वसंतम देवदिन्दे भवम भवानी सहितम नमामि। हमारे भाई लोग यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी रहे हैं इसे मिला ने बट क्या करेगा तभी बैठा हुआ कुर्सी पे हम पी लिए पहले। अच्छा हमको सिखा रिया है इसको दे रहे हैं पिला दे रहे हैं इसको देन अब तो यहाँ बहुत धूप हो गया गाइस बहुत ही अच्छा निर्माण हुआ है हमारे गांव के सामने है नहीं हमारा तो देख सकते हैं यहाँ पर हमारा खाने को आ रहा है आ रहा कैसा खा रहा है। अच्छा हमको सिखा रिया है खाओ 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 कंटिन्यू खाते रहो तुम लाल, यहाँ थोड़ा फोटो क्लियर नहीं आ रहा है बिकॉज यहाँ पर जो
त्रिपाल दिया हुआ है, ब्लू कलर का है, और इतना धूप किया हुआ है कि किसी का फेस क्लियर पता नहीं चल रहा है। आपको भी यहाँ खाना है तो आ जाइए, और ये मेरे तरफ से गाइस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब बटन को फेंक के मारे या फिर कुछ भी करके मारे जैसे लाल हो जाए। आपकी एक लाइक से हम लोग की तकदीर बन सकती है। सो हे गाइस, मैं ब्लॉग को यहीं एंड करता हूँ, ठीक है। और अब तक आपने मेरे चैनल टीएमएस सुनो ब्लॉग को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले, ताकि मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे, ठीक है। मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।